विधानसभा चोणां नूं लै के राजनीतिक पार्टियां पब्बां भार ने। कांग्रेस भी चोण प्रचार दे नाल नाल सीटां ते उम्मीदवारां दी लिस्ट तैयार करन च लगी हुई है। दिल्ली विच पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई सी बीते कल। बैठक विच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू समेत सुनील जाखड़ अते अजय माखण अते नाल ही पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी भी मौजूद रहे ने। उत्थे ही बैठक तो बाद कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ वालों इस बैठक नूं विस्थार नाल दसदिआं कहा गया कि पार्टी का कोई भी आगू जां वर्कर जदों पार्टी छड्ड के जांदा है तां पार्टी नूं नुकसान जरूर हुंदा, पर जिन्हां वजह कारण वह पार्टी तो नाता तोड़ के जा रहे हैं वह सिर्फ उही जानते हैं। दूजे पासे उन्होंने सीटां दी वंड नूं लैके भी जानकारी दित्ती है। देखिए, यहाँ तो डिलीबरेशन हुई हैं इस कमेटी के अंदर, ये फैसला इसके ऊपर आगे जाके सीईसी जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जिसकी अध्यक्षता सोनिया जी करेंगे वहाँ जाके फैसले होंगे। अभी सीईसी की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई है, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर कोई फैसला होगा। सर, पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही होगा? देखिए, नुकसान तो कोई भी एक मेरे जैसा सादा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी से अलग होता है तो उसका नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक पार्टी उनके अपने कार्यकर्ता के गुस्से को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, परंतु इन लोगों ने जो फैसला लिया है, इनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी या किस वजह से गए हैं, परंतु पार्टी आज सारों को इकट्ठा लेके इलेक्शन लड़ने के प्रयास हैं, सबको साथ लेके इलेक्शन तगड़ा होकर लड़ेंगे। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या इसको लेकर? ज्वाइंट लीडरशिप के तहत, कलेक्टिव लीडरशिप के तहत इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जो आज हैं वो तो हैं, परंतु इस कंपेन को एक ज्वाइंट लीडरशिप के तहत लड़ा जाएगा। लेकिन आपका एक बयान भी सामने आया है कि विधायक तय करेंगे कि कौन होगा पंजाब का मुख्यमंत्री। हमेशा यही होता रहा है, विधायक ही तय करते रहे हैं, विधायक ही करेंगे। एक एक्सेप्शन की गई थी 1917 में जब राहुल जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था, परंतु आज जो हालात हैं उनको देखते हुए कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाएगा इलेक्शन। थैंक यू सर। दस दईए कल कांग्रेस वालों एक वड्डा दा खेडिया गया सी, जिस दे विच के सूत्रां दे हवाले तो यह खबर आई सी कि कांग्रेस 15 to 20 सीटां दे उत्ते आम आदमी नूं चोण लड़ा सकदी है, यानी कि आम आदमी नूं MLA बनण दा मौका दिता जा सकदा। हुण देखणा यह होवेगा कि कांग्रेस की यह जिहड़ी रणनीति है वह कित्थे क तक कारगर साबित हुंदी है, जो कि चोणां दे नतीजे आउण तो बाद ही पता लगेगा।